प्यार भरी सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। अभी मैं हूँ लेह सिटी में, जैसा कि आपको पता है कल रात मैं इधर पहुंच गया था और अभी यहाँ गुरुघर में, और सामने से कुछ इस तरह का नज़ारा है। हल्की सी लेह सिटी दिखाई देती है, लोगों के घर हैं, होटल हैं, हॉस्टल हैं, सारा कुछ है। और सामने है लेह पैलेस, जो आज हमने देखने जाना है। लेह पैलेस के अंदर ज़्यादा तो कुछ नहीं है, बट पुराने ज़माने के रिलेटेड कुछ तस्वीरें लगा के रखी हैं, कुछ रूम्स हैं देखने के लिए, वो चीज़ें हम देखेंगे। और सबसे बड़ा मेन काम, अपना साइकिल यार आवाज़ बहुत ज़्यादा करने लग गया, और एक उसके शॉकर में है ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो हमने वो चेंज करवाना है। मतलब आज अपना साइकिल का काम मेन है। घूमना फिरना तो चलो कल भी होता रहेगा, फिर भी कर लेंगे, पर साइकिल आपको पता है ज़रूरी है, क्योंकि कल को खारदुंगला पास, जो वर्ल्ड का सेकंड मोटरेबल रोड है, हाईएस्ट ऊपर पीक पे है ना, वो जाना है। पेंगोंग जाना है, नूपुरा, खारदुंगला, पता नहीं कौन से जाने हैं यार, मतलब बड़ा अभी घूमना है। तो हम घूमेंगे, वो भी जाएंगे, और ऊपर में मिनिस्ट्री बनी हुई है, वो भी देखने के लिए हम जाएंगे। और फिलहाल हम इधर से निकलते हैं, नहा धो लिए हैं, कपड़े भी अपने धो दिए हैं, पूरा फ्रेश हो गए हैं, और चलते हैं अपना साइकिल ठीक करवाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। बड़ी मुश्किल के बाद है ना यार एक दुकान मिली है, और आज पता नहीं क्या चक्कर है, सारी मार्केट में दुकानें बंद ही पड़ी हैं सारी, पर भाई की दुकान खुली थी यार। अभी देखते हैं इसका क्या है, क्या होगा। ओ भाई ने खोल दिया सारा, ओ यही बहुत ज्यादा आवाज कर रहा था इसके अंदर से। क्या होता भैया, बेयरिंग होता है इसके अंदर? बेयरिंग होता है। अच्छा अच्छा, वो देखेंगे अभी हम। ठीक है ठीक है, चलो ठीक है भाई, देखते हैं क्या क्या इसके अंदर दिक्कत है, क्या दुख तकलीफ है मेरी साइकिल को। और इसकी चैन का मैंने बताया था ना, जैसे आपको गियर अपने आप चेंज हो जाते हैं, ये भी ठीक करने हैं। ये टूट गया है। क्या टूट गया भैया? ये बेयरिंग टूट गया है। ओ भाई हो गया, ये तो अभी नया साइकिल है भैया, 15 दिन भी नहीं हुए अभी इसको, ये खा गया सारा, खा गया ना। ये कैसे टूट जाता है भैया? अपने आप टूट जाता है ये? जब कोई ज्यादा वो आता है, ज्यादा वजन आता है ना, ज्यादा वजन आता है, टूट जाता है अगले वाला। ठीक है, ऊपर वाला ठीक है, ये ठीक। अच्छा ये होता है। ओ भाई नुकसान हो गया अपने साइकिल का यार, तेल डालना पड़ता है भैया, इसमें तेल डालना पड़ता है, ग्रीस डालना पड़ता है, ग्रीस डालना पड़ता है यार। मैंने साइकिल लिया था ना, भाई ने मेरे को बताया ही नहीं कि ग्रीस डालनी पड़ती, नहीं तो मैं हर रोज सुबह शाम इसकी ग्रीस करता रहता हूं। नहीं नहीं, हर रोज तो करना नहीं। अच्छा ठीक है, चलो यार देखते हैं भाई, कुछ ना कुछ सोल्यूशन करोगे भैया, कर दोगे ना? देखेंगे। चल ठीक है, बताते हैं आपको यार। लो जी, साइकिल का बेयरिंग तो मिला नहीं, बट भाई ने जुगाड़ लगा के चला दिया। भैया अभी ये चल जाएगा ना, खराब तो नहीं होगा, मतलब कहीं रास्ते में तंगी तो नहीं करेगा? नहीं होगा। भैया ने ना ग्रीस लगा दी अच्छी तरह से, और एक के नीचे गोलियां डाल दी ना, वो नहीं मिला उसका, सर्कल वाला नहीं मिला। नहीं मिला सर्कल वाला, नहीं मिला, सिंगल गोली डाल दिया, मतलब इससे अपना टेम्परेरी काम चल जाएगा, मनाली तक चला जाए यार, मनाली में तो हम ले ही लेंगे ना भैया, मनाली में मिल जाएगा ना। बस ठीक है यार, हो गया। चलो ये सबसे मेन था, अगर ये ना डालते भैया टूट भी सकता था ना, ये निकल जाता ये बाहर क्या? निकल नहीं जाते, बस ऐसे ऐसे करते। अच्छा, झटके मारता? ओके। चलो यार ये फायदा हो गया, चलो भाई ने जुगाड़ लगा दिया। वैसे अपने इंडियन लोग जो होते हैं ना, जुगाड़ लगा ही देते हैं हर चीज को। तो ठीक है, अपना साइकिल बन गया, और थोड़ा सा और रिपेयर करते हैं, फिर चलते हैं, थोड़ा सा सामान लेना है, कपड़े भी लेने हैं यार, शूज। देखो आप बोलते हो मेहनत नहीं करता, मनी मेहनत नहीं करता, मेहनत कर करके जूते घिस गए यार मेरे, क्या बताऊं मैं। ठीक है, मिलते हैं थोड़े समय के बाद। और जे है सामने अपनी मतलब की मार्केट, जहाँ छाटो मार्केट बोला जाता है, इसे कपड़े छांट छांट के निकालने पड़ेंगे, बस अपने प्राइस के मिल जाएं यार। कपड़े तो देखने को अच्छे लग रहे हैं, होते ही सेकंड हैंड ही है सारे, बट नो प्रॉब्लम यार, अपना काम चल जाएगा, मिलने को है। अरे वाह, अंदर की अंदर, चलो यार। तो सामने देख रहे हो ना कितनी अच्छी कलाकारी की गई है यार, कैफ़े है, अंदर बैठ के हम चाय जरूर पियेंगे बाद में, बट अभी हम ना पैलेस देखने जा रहे हैं, और अपने मतलब का यार कुछ नहीं मिला, वो मार्केट में गया ना देखने के लिए, कुछ मिला ही नहीं यार अच्छा सा, बट हमने एक नया लोड खरीद लिया, 300 रुपये का दिया यार वो भी। तो ये सारी ओल्ड ले मार्केट है ना भैया, सबसे पुराना है ये। देखो यार कितनी अच्छी चित्रकारी की गई है, ये भैया कपड़े के ऊपर बना हुआ है, खुद बनाते हो आप? कितने टाइम में बनता भैया एक? बहुत टाइम लग जाते हैं, छोटा छोटा 5-6 दिन। देख सकता हूँ अंदर से? अंदर से आराम से देख सकते हैं, हम क्लास भी देते हैं। वाह यार ये देखो,
ये मंत्र लिखे हुए हैं सारे, जो भी बुद्ध धर्म के मंत्र होते हैं ना भगवान की, यार बड़ी अच्छी बनाई हुई है। क्या हुआ था यार, पर ये होती बहुत एक्सपेंसिव है ऐसी ना पेंटिंग्स। मेरे को आर्ट बड़ी अच्छी लगती है, तो इस तरह की देखो यार क्या बात है, सारे मतलब गॉड बनाए हुए हैं, जो भी भगवान है वो बनाए हुए हैं। अच्छा है भैया, बहुत अच्छा बना हुआ है। किधर? तो ओ वाओ। अच्छा ये अगर धूप बत्ती रखने के लिए, अगरबत्ती बंद के अंदर, बंद करके सुबह शाम इसमें डालते हैं। अच्छा इसका ढक्कन लगा देते हैं। अच्छा ढक्कन लगता है इसका? ये अच्छा ये ढक्कन है, ये ऐसे बंद हो जाता है ऐसे? हां ऐसे। ओके सही है। ये देखो यार कितनी बड़ी पेंटिंग रखी हुई है। वाओ सही है, चलते हैं। चलो चलो यार ले पैलेस घूमते हैं, अभी थोड़ा सा वो देखते हैं, फिर थोड़ा सा सामान हमने बाय करना है जो वो ले लेंगे। देखो एंटीक एंटीक चीज़ें हैं सारी सारी सारी। सामने दिखाई दे रहा है ना यार कितना खूबसूरत नज़ारा दिखाई दे रहा है। अभी हम पहुंच चुके हैं फाइनली ले पैलेस में, जो मैं आपको नीचे से दिखा रहा था ना सुबह सुबह, ऊपर से कुछ इस तरह का नज़ारा दिखाई देता है। और है ना आज भी कुछ घर इधर सिटी के अंदर मिट्टी के बने हुए हैं, और कुछ पत्थरों मतलब ये पत्थर की ईंटें यूज़ करके ना कुछ सीमेंट वाले घर हैं, तो कुछ इस तरह का नज़ारा दिखाई देता है। और जहाँ पर हम रुके हुए हैं शायद वो कारों के आसपास है कहीं अपना गुरुद्वारा। तो ज़्यादा लेकिन ज़्यादा ले पैलेस के अंदर है ना कुछ देखने के लिए नहीं, बस ले के अंदर जो मोन्यूमेंट्स हैं उनकी तस्वीरें लगाई हुई हैं बिफोर और आफ्टर की। तो चलिए दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा, वैसे वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, थोड़ी सी बना रहे हैं हम चोरी छिपे। तो कुछ इस तरह का दिखता है। इधर में ना वॉल पेंटिंग्स हैं जो दीवार के ऊपर पुराने समय में बनाई जाती थी, तो वो वाली लगी हुई हैं, भगवान की तस्वीरें बनाई गई हैं ना। तो मिनिस्ट्री कुछ इस तरह की दिखती थी, और ये भी किसी मिनिस्ट्री का लगा हुआ है सामने। तो ये सारी तस्वीरें ऐसी हैं। और ले पैलेस पहले कैसी होती थी बाद में कैसी है, कुछ उस तरह का सारा कुछ लगा हुआ है। और पुराने ज़माने का पैलेस इस तरह का होता था, मोने कुछ मतलब मिट्टी के बनाए गए थे तस्वीरें, मिट्टी का गुम्पे बनाए हुए हैं ना, बर्तन वो चीज़ें सारी दिखाई हुई है, किसी की ग्रेप के अंदर से ये मिले हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं यार इसके, मतलब ये जो जो ये पैलेस के अंदर हो ना, इसके इसका बिफोर और आफ्टर का भी कहीं पर बना हुआ है, पता नहीं मेरे को कहाँ पर है, मैंने देखा था यार वो भी कहीं। तो इधर में कुछ इस तरह का माहौल है, ये रहा। तो समय हुआ है दोपहर के 2:30, और भूख बहुत ज़्यादा लगी है यार, सुबह का हमने खाना खाया हुआ है। ज़्यादा कुछ है ना इस ले पैलेस के अंदर देखने को नहीं है, बस पुरानी कैसे होता था बाद में कैसा बन गया है ना आफ्टर, मतलब रीबिल्ड किया जब उन्होंने, दरवाजे कैसे होते थे, कब ये बना था है ना, मतलब उसके बारे में सारी जानकारी दी गई है। ज़्यादा कुछ खास देखने के लिए नहीं है, और ज़्यादा वीडियो बनाने भी नहीं देते, तो हमने चोरी छिपे थोड़ी थोड़ी वीडियो बना ली है। बाकी जो ऊपर से नज़ारा दिखता है यार वो बेकमाल है, पूरी ले सिटी का नज़ारा दिखता है, और रूखे रूखे से पहाड़ है। और कल जहाँ पर हमने जाना है ना, वो जो आपको बर्फीला पहाड़ दिख रहा है ना उसकी हाइट पे जाना है, वो उधर में खारदुंगला पास है, पता नहीं इसके पीछे है पता नहीं उसके पीछे है, मतलब है बहुत बड़ी हाइट पे बना हुआ है। तो वो देखने के लिए हमने कल को जाना है। तो ठीक है ले पैलेस हमने देख लिया, ये छोटा सा था, ज़्यादा वीडियो नहीं बना सके है ना, तो कोई बात नहीं, क्योंकि यार बार बार कोई ना कोई चेक करने आ जाता है कि वीडियो तो नहीं बना रहा, वीडियो डिलीट करवा देंगे, फिर उससे अच्छा थोड़ी थोड़ी सी बना ले हम। और अभी चलते हैं ले नीचे मार्केट में, एक दो टी शर्ट्स बाय कर लेते हैं, और कुछ थोड़ा बहुटा सामान ले लेते हैं बस, फिर उसके बाद हमने शॉपिंग कभी नहीं करनी, मतलब 2-3 महीने हमने निकल जाएंगे। ठीक है चलते हैं, इधर से निकलते हैं। अभी हो रहा है अपना खाने पीने का समय, भूख बहुत ज़्यादा लगी थी यार भयंकर वाली, इससे भूख तो नहीं बुझेगी बट थोड़ा बहुत टेस्ट मिल जाएगा हमको। चिली मोमोज ऑर्डर किया है, कॉफ़ी है, और ये भाई ने चाय ऑर्डर किया है इधर। तो खाते हैं अपना, और 5-10 मिनट रौनक मेला इंजॉय करते हैं, बहुत रौनक लगी रहती है ना जी इधर, है ना जी? हाँ जी तो ठीक है खाते पीते हैं फिर घुमाते हैं आपको थोड़ा सा। इसे माल रोड बोलते हैं ना? हाँ जी, मेन मार्केट बोलते हैं। हाँ माल रोड।
तो फाइनली यार हमने कपड़े ले ही लिए, अपना ना मन घूट के हमने पैसे लगा ही दिए यार। मन नहीं था ना कि इतने पैसे लगाने हैं, बट लगाने पड़े क्योंकि हमें हर रोज़ पहनने पड़ते हैं यार। तो अभी मैंने ना अच्छी सी एक अच्छी सी ले ली है टी शर्ट, जारा की टी शर्ट ले ली है। ये मेरे को दिया अंकल जी ने 350 रुपये की। और एक ये कैचुआ का ये ले लिया हमने, नीचे से खुलने वाला, इसको हाफ भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। और ये अपने को मिली है कितने की अंकल जी? 800 की। और यानी कि हमने 1100-1200 रुपया लगा दिया, बाकी आज साइकिल पे भी लग गया। आज 2-3 हज़ार का अपना खर्चा हो गया यार, बजट से बाहर चली गई बात। बट खैर ये तो पहनने वाली चीज़ें हैं, ज़रूरी है ये तो। चलो अंकल जी ये पैक कर दो दोनों, ये हमारी नेसेसरी चीज़ें हैं। ठीक है, थोड़ा सा और भी लेना है तो देखते हैं हम कुछ करते हैं, और चलते हैं अभी थोड़ा सा मार्केट घूमते हैं, सामान ले लिया। कैश हो, कैश अंकल जी का, फोन पे, पेटीएम, सब कुछ फोन पे, ठीक है, सब कुछ आज है ना अपनी पूरी चिल वाली वाइब चल रही है, मतलब आज हम रिलैक्स कर रहे हैं, अपना संडे मन रहा है। संडे तो नहीं है पर हम संडे मना रहे हैं यार अपना, क्योंकि 22-23 दिन हो गए घर से निकले हुए, कंटिन्यूसली चल ही रहे हैं, कहीं रुकने का मौका ही नहीं मिलता था यार। फाइनली हम ले पहुंचे, आज हम रिलैक्स कर रहे हैं, कहीं गए नहीं है, कहीं कुछ नहीं किया, चिल वाली वाइब चल रही है। तो खाना पीना अपना हो गया और बढ़िया वाली अपनी शॉपिंग भी हो गई है, और अभी हम पीने लगे हैं अदरक वाली चाय। भैया अदरक वाली है ना? जी सर, अदरक वाली बिल्कुल ले। हाय हाय, ले वाली, क्या बात है। चलो दो चाय पीते हैं अभी, दो चाय, अकेला बंदा दो दो चाय पी लेगा देख लो। तो चाय पानी पीते हैं, और कुछ इस तरह का माहौल है यार, देखो कितनी ज़्यादा रौनक मेला लगा हुआ है ना। ये माल रोड बोलते हैं इसे, मेन मार्केट भी बोली जाती है, सारे लोग ना इधर ही आके बैठते हैं। तो बड़े दिनों बाद इतना रौनक मेला देखने को मिल रहा है, नहीं तो गाँव गाँव ही घूमते रहते हैं, कुछ खाने पीने को भी नहीं मिलता। आज हमने पूरा मज़े से खा पी भी लिया, मतलब फास्ट फूड खा लिया, वैसे अवॉइड करते थे पर आज खा लिया यार। आज सोचा कि हम यार अपना व्रत तोड़ देते हैं, ठीक है, अपनी चाय पीते हैं अदरक वाली, और फिर एंजॉय करते हैं। इधर दो चाय ना, दो रख दो भैया नीचे। तो फाइनली आपने देख लिया ना कि यहाँ पर हम रुके हुए हैं ये हाल के अंदर, और है ना इधर में मैंने सारी दुकान लगा दी है यार। आज मैं सामान है ना बहुत ज़्यादा बाय कर लिया मैंने दुकान से, क्योंकि यार मेरे को पता है आगे है ना दुकानें नहीं मिलेंगी, और ये सामान इम्पोर्टेंट भी था, और अपनी हेल्थ भी दिन प्रतिदिन है ना बिगड़ती जा रही है, क्योंकि आपने देख ही लिया यार कैसे ना सूख गया बिल्कुल। मैं पहले थोड़ा सा अच्छा था, कलर भी थोड़ा सा अच्छा था इससे, बट अभी सूख गए हैं यार। खैर हम उसको रिकवर करेंगे, कोशिश तो यही है। तो मैं आपको शुरू से दिखाता हूँ मैं क्या कुछ लेकर आया हूँ। तो एक तो ये टी शर्ट लेकर आया हूँ मैं, एक ये वाली टी शर्ट ली है, और एक जो आपको मैंने दिखाई थी लॉन्ग पैंट, ये हाफ भी हो जाती है, इसकी जिप लगी हुई है इधर, तो ये अपने दोनों काम आ जाएगी, शॉर्ट के भी और लॉन्ग पैंट के भी। ये मैंने आधा किलो है ना काले चने ले लिए हैं, इसको रात को भिगो के रख दिया करेंगे और सुबह खा लिया करेंगे। एंड साबुन मैं यूज़ करनी छोड़ दी, फिर मैंने ये ले लिया पेस्ट, ये ले लिया, और मेगा 3 के ये फिश वाले कैप्सूल ले लिए। ये हेल्थ एंड वेलनेस के लिए ना अच्छे रहते हैं, तो मेरे दोस्त ने मुझे बताया था ये, तो ये हम खाते रहेंगे, थोड़ा सा बॉडी को अच्छा लगता रहेगा, जो भी विटामिन की कमी होती रहेगी ना वो इधर से पूरी हो जाएगी। और मुंह धोने के लिए हमने फेस वॉश एंड स्क्रब ये वाला ले लिया, और है ना एक ये आते हैं, तो जो भी बंदा साइकिलिंग करता है या रनिंग करता है ना, तो ये बेस्ट होते हैं, कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी करता है ये हफ्ते में ना 2 बार बंदा ले ले, दूध के साथ बड़े अच्छे रहते हैं, मतलब बोन्स के लिए ना बड़े अच्छे कैप्सूल हैं ये। तो ये हमने लिए, एंड पीनट्स बटर ले लिया, ड्राई फ्रूट लिए आज, और एक ये कीवी वाला, ये वाला ले लिया कीवी वाला, बस ये सारी चीज़ें ली। बाकी चॉकलेट्स हमने बहुत ज़्यादा रख ली हैं अपने पास, बस और कुछ नहीं है यार, यही सारा सामान हमने आज बाय किया, क्योंकि ये नेसेसरी सामान था, मेरे पास ये नहीं था। कपड़े अपने पास, आपको पता है यार मेरे कल कपड़े भी फट गए थे ना, मैंने आपको दिखाए थोड़े थोड़े से, तो इसलिए हमने कपड़े भी ले लिए। आज कम से कम है ना 2000-3000 के आसपास शॉपिंग हो गई है, मतलब अभी दो तीन महीने हमको ज़रूरत नहीं है कुछ भी कपड़ा कोई भी सामान खरीदने की, इससे ही अपना गुजारा हो जाएगा। तो ठीक है अभी हम रिलैक्स कर रहे हैं, इधर थोड़े टाइम में खाना बन जाएगा गुरुद्वारे के अंदर, और फिर शायद हम मार्केट की तरफ थोड़ा सा रौनक मेला देखने दोबारा चले जाएं मार्केट में, क्योंकि कल तो खारदुंगला पास जो वर्ल्ड का सेकंड मोटरेबल रोड है उधर हमने जाना है यार। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं कि मैं कर पाऊँगा करेंगे यार, सुबह 6 बजे निकलेंगे, शायद 4-5 बजे तक ऊपर टॉप पे पहुँच जाएँ क्योंकि बहुत हाइट है, बाकी कल वाले ब्लॉग में मिलेगा वो तो सारा कुछ। तो ठीक है अभी मैं सामान अपना पैक कर रहा हूँ,
साइकिल पे लोड करके ना आज ही रख देंगे, सुबह उठेंगे नहाएंगे और निकल जाएंगे आगे की ओर। और ये मैंने कैचुए से जो बैग पहले लिया था बहुत पहले ना, इसको अभी मैं कंधे पे डाल के रखा करूँगा। ये वाला हल्का फुल्का खाने पीने वाला सामान सारा इसके अंदर जाएगा, यानी कि 1-2 kg वेट होगा। ठीक है, ये सारी बातें थी, मिलता हूँ थोड़े समय के बाद। तो अपना बढ़िया वाला ना खाना पीना हो चुका है गुरुद्वारे से। आपको पता है आज मेरी है ना फेवरेट सब्जी मेरी थी यार लेडी फिंगर, और मैंने ना जम के 8-9 रोटियां खा ली। वैसे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि जब आप खाना खाते हो ना कभी भी आपको रोटियां नहीं गिननी चाहिए, बट मेरी आदत गंदी है यार, मैं गिन नहीं लेता हूं कि आज मैंने कितनी खाई कल मैं कितनी खाऊंगा। और कुछ इस तरह का माहौल है यार रात को ना, लोग चिल वाली वाइब बनी हुई है, इधर में घूमने टहलने के लिए आए हुए हैं जैसे कि हम आए हुए हैं, क्योंकि आज हमारा ले के अंदर लास्ट दिन है, कल हम खारदुंगला की ओर रवाना हो जाएंगे। अपना आज साइकिल का काम भी हो गया, थोड़ा बहुत शॉपिंग करनी थी वो भी हो गया, और थोड़ा सा रिलैक्स भी कर लिया क्योंकि हम इतने दिनों से भाग ही रहे थे, चल ही रहे थे, रिलैक्स करने का मौका ही नहीं मिल रहा था। तो आज का ये छोटा सा व्लॉग उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा ना तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करके जाना, क्योंकि उससे थोड़ा सा अच्छा लगता है मतलब मोटिवेशन मिलती है यार कि आप लाइक कर रहे हो ना चीज़ें, तो कुछ इस तरह का माहौल है। तो ठीक है, आज के व्लॉग को एंड करते हैं इधर ही। सुबह मिलेंगे एक नए सफ़र के साथ, एक नई उम्मीद के साथ। तो सुबह आपको खारदुंगला जो वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड है ना वो देखने का मौका मिलेगा, और हम उधर जाके अपने साइकिल के साथ सबमिट करेंगे। यार कितनी बड़ी बात है ना। तो ठीक है, तब तक के लिए जय भारत जय किसान। हम भी इधर जाके थोड़ा सा चिल करते हैं, फिर गुरुद्वारे में जाके हम भी सो जाएंगे। सुबह हमें जल्दी 5 बजे या 6 बजे उठ के ना निकलना है इधर से। ठीक है, बाय बाय गाइस, लव यू ऑल।